नॉर्थ में लॉर्ड कुबेर जी भी बहुत ज्यादा वास्तु में यूज किए जाते हैं। कुबेर जी की रेमेडी भी आप लोगों ने शायद सुनी होगी। नॉर्थ की डायरेक्शन में जब आप कुबेर जी की फोटो या कुबेर जी की मूर्ति रख देते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर काम करने लगते हो और आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ऊंचे रेट में बिकने लगता है, महंगा बिकने लगता है, ऊंचे रेट में बिकने लगता है। लेकिन आपको पता है जो भी ये रेमिडीज है, जो भी ये उपाय हैं किताबों में, वीडियोस में, यूट्यूब पे, ये तो बता देते हैं कि कुबेर जी यहां पे रखने से ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके पीछे की बैकएंड वर्किंग क्या है। मैं आज आपको बताता हूं कुबेर जी महाराज के पीछे की बैकएंड वर्किंग, कुबेर जी की जो रेमेडी है वो काम कैसे करती है। आपने सुना होगा कि कुबेर जी जो हैं वो संसार के समस्त खजानों के देवता हैं। इस संसार में जितना भी ट्रेजर है, जितना भी खजाना है, कुबेर जी उन सभी खजानों के देवता हैं। ये आपने सुना है, सुना है कुबेर जी जो हैं उन्हें ट्रेजर के देवता कहा जाता है, उन्हें खजाने का देवता कहा जाता है। तो मतलब आपके घर में जो आपकी वाइफ के या आपके खुद के जो ज्वेलरी रखी है वो सारी कुबेर जी की है क्या? वो कुबेर जी की है? नहीं, वो तो आपकी है, वो तो आपने खरीदी, वो तो आपकी, कुबेर जी क्या करेंगे। एक्चुअली में जो कुबेर जी है, ट्रेजर क्या होता है, खजाना क्या, किस चीज को आप ट्रेजर बोलते हो, किस चीज को आप खजाना बोलते हो, ट्रेजर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इतना रिफाइन कर दो, इतना रिफाइन कर दो, इतना रिफाइन कर दो कि उस चीज में रिफाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो जाएं, वो चीज अपने रिफाइनमेंट के स्तर के चरम पे पहुंच जाए, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिफाइनमेंट अगर आप एक प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की कर देते हो तो वो चीज ट्रेजर की फॉर्म ले लेती है। डायमंड, डायमंड मोस्ट प्रेशियस, सबसे प्रेशियस होता है डायमंड। अगर रफ डायमंड जिससे डायमंड बनता है, अगर रफ डायमंड रोड पे पड़ा हो और आप जा रहे हो ना और बड़ा सा पत्थर हो, आप लात मारोगे उसको चलते हुए और अपना रास्ता नापोगे और चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या है। अगर आप किसी की टेबल पे पड़े रफ डायमंड को देख लोगे तो उठा के बोलोगे फिटकरी सी क्या रखी हुई है, वो फिटकरी स्क्वायर शेप की घिसते 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 का अजीब सी शेप ले लेती है, वो फिटकरी जैसा दिखता है रफ डायमंड। क्योंकि मेरा डायमंड्स का भी बिजनेस है इसलिए मुझे डायमंड्स की थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो रफ डायमंड हो ना आप लात मार के चले जाओगे, लेकिन जब एक जौहरी, जब एक हीरा व्यापारी उस रफ डायमंड को कई सारे फेसेट्स में और उसकी पर्टिकुलर शेप में काट के उसको अच्छी तरीके से पॉलिश करता है, उसको XXX कट देता है, उसको बेस्ट कलर क्लैरिटी का डायमंड होता है, उसमें रिफाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है, तो वही रफ डायमंड फिर क्या होता है, किसी का ताज बन जाता है, किसी के गले का हार बन जाता है और लाखों करोड़ों रुपए में बिकने लगता है वही रफ डायमंड। तो कुबेर जी क्या करते हैं, कुबेर जी जो है वो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज को इतना रिफाइन करते हैं, इतना रिफाइन करते हैं कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बेस्ट क्वालिटी के हो जाते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो जाता है तो मार्केट में बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऊंचे दाम पे बिकने लगता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुबेर जी जो है वो देखो, मेरे पास ना चूहे तो थे नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने दोस्तों में, ठीक है। क्योंकि एक दोस्त जब तक किसी दूसरे दोस्त का नुकसान ना करे तो वो दोस्त ही नहीं है, तो मैंने अपने दोस्तों को बहुत इस्तेमाल किया वास्तु में, ठीक है। तो मैंने दो दोस्त पकड़े, एक दोस्त उसका ज्वेलरी शॉप है, एक दोस्त की ज्वेलरी शॉप है, दूसरे की किराने की दुकान है जहां पे ग्रोसरी बिक रही है, ठीक है। मैंने दोनों दोस्तों में एक की किराने की दुकान पे नॉर्थ में कुबेर जी रखे, एक की ज्वेलरी स्टोर में मैंने नॉर्थ में कुबेर जी रखे। एक महीने के बाद मैंने दोनों से फीडबैक लिया,
और मैंने रख के ना, अब उनको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये मूर्ति रख रहा हूँ यहाँ पे, इसको ज्यादा हिलाइए मत, ठीक है भाई ओके। एक महीने के बाद सबसे पहले मैंने ज्वेलर से फीडबैक ली, मैंने कहा भाई एक महीने में तूने जीवन में कोई बदलाव देखा? कह रहा यार आया तो है कुछ। मैंने कहा बता क्या बदलाव आया है? कहता यार पहले ना मैं सस्ते हीरो में डील करता था, मतलब कमर्शियल रेंज 10,000 रुपए कैरेट, 11,000 रुपए कैरेट, 12,000 रुपए कैरेट, 14,000 रुपए कैरेट का जो हीरा आता है ना, पहले मैं सस्ते हीरो में डील करता था। मैंने कहा क्यों डील करता था? कह रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कस्टमर को सस्ता हीरा बेचूंगा ना तो ज्यादा बिकेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अब क्या बदलाव हुआ आया? कह रहा भाई अब मुझे रियलाइज हुआ कि जब कस्टमर हीरा खरीदने जाता है ना तो वो सस्ता हीरा खरीदने नहीं जाता, जितने उसकी जेब में पैसे होते हैं वो सारे लेके जाता है कि जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा। और बोला दूसरी एक और बात बताऊं? मैंने कहा बता। कह रहा 10,000 रुपए कैरेट का हीरा तू मैक्सिमम 12,000 रुपए कैरेट में बेच सकता है, लेकिन 50,000 रुपए कैरेट का IVS का सर्टिफाई हीरा तू 1,00,000 रुपए कैरेट में बेच, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जितना महंगा होगा प्रॉफिट मार्जिन भी उतने बड़े होंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, तूने क्या किया? कह रहा भाई मैंने ना अपनी सारी सस्ती रेंज हटा के एट पार निकाल के मैं ना अब अच्छी हाई एंड रेंज में जा रहा हूं, अब मैं महंगे हीरे बेचूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति आज मेरे से हीरा लेगा वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद किसी दूसरे ज्वेलर पे भी जाके अगर हीरा चेक कराएगा ना तो उसको ज्वेलर यही बोले भाई साहब क्वालिटी बहुत बढ़िया लिया आपने। कोई मेरी अगर आज मैं उसको 10,000 रुपए कैरेट का हीरा दे दूंगा 6 महीने बाद वो काला पड़ जाएगा, जरा सा डस्ट लगते ही वो काला दिखेगा क्योंकि पहले उसमें कलर है, वाइट तो है ही नहीं वो, क्योंकि सस्ती रेंज में तो सस्ता ही हीरा आएगा ना, वो कह रहा उसमें जरा सा डस्ट लगेगा वो काला दिखेगा, चमक खत्म हो जाएगी, कस्टमर बोलेगा भाई साहब उस ज्वेलर से लिया था मेरा नाम खराब हुआ। बोला भाई मैंने तो ना अच्छा हीरा बेचा, ठीक है भाई बहुत अच्छा इफेक्ट है। मैंने कहा भाई ये कुबेर जी रखा रहने दियो, अच्छी अच्छा इफेक्ट है ओके। अब मैं उस पहुंचा उस किराने वाले की दुकान पे, जाते ही मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा और भाई क्या हाल है? कह रहा बढ़िया भाई तू सुना क्या चल रहा है? कह रहा पता नहीं यार काम ही नहीं है यार, एक महीना हो गया मेरा सारा काम ही बिल्कुल ठप हो गया यार। अच्छा भाई क्या किया तूने एक महीने में? क्या यार मेरे को तो यार लोग समझ में नहीं आते, किसी का कितना ही अच्छा करने की सोचो लोग अपना अच्छा चाहते ही नहीं। कह रहा भाई तू देख पहले मैं दाल बेचता था, ठीक है 80 रुपए किलो की दाल थी। बोला यार इस दाल में ना तेरे को पता है कलर लगा होता है, इस दाल में ना मिक्सिंग होती है, इस दाल में प्रोसेसिंग होती है, इसमें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स पता नहीं क्या क्या यूज होते हैं। बोला भाई मैं ना स्पेशल ऑर्गेनिक दाल मंगाई कि कस्टमरों की ना हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। अब बोला भाई ये 80 रुपए की है, ऑर्गेनिक 140 रुपए की है, ठीक है। बोला भाई मैं अंडे बेचता था, बोला मशीनी अंडे 3 रुपए का मेरे को आता था, 4-5 रुपए का मार्केट में बिकता था। बोला भाई मैंने फार्म से देसी अंडे मंगाए, बोला वो आई 6 रुपए का रहा है, तो बोला भाई 8 रुपए का तो बेचूंगा, बिल्कुल बेचेगा भाई। कह रहा ऐसे ऐसे करके भाई मैंने ना पिछले मैं मतलब मेरी मेंटालिटी पता नहीं क्या हो गई, मैं चाहता हूँ कस्टमर को अच्छी चीज दूं, मैं ऑर्गेनिक दालें बेच रहा हूं, ऑर्गेनिक चावल मंगा लिया, देसी अंडे मंगा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, जो बेकार के प्रोडक्ट थे वो हटा रहा हूं दुकान से, फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चल मैं फिर मिलता हूं तेरे से, और मैंने कहा ये कुबेर जी मैं लेके जा रहा हूं भाई, ठीक है ये तेरे को सूट नहीं करते। कह रहा तू इधर आ, कह रहा जब से तुम्हें कुबेर जी लगा के गया तब से मेरे काम में दिक्कत है, मैं तभी तो कह रहा हूं मैं लेके जा रहा हूं। मुझे क्या चीज समझ में आई, मुझे क्या चीज समझ में आई, जब आदमी अपने लिए रोटी लेने जाता है ना, अपने लिए खाने पीने का सामान लेने जाता है, तो वो परचून वाले से लट रहा होता है कि भाई साहब 80 रुपए 140 रुपए किलो था भाई ना, वहां तो 80 रुपए किलो मिल रहे। अब परचून वाला समझा रहा है भाई साहब ये ऑर्गेनिक है, इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ, कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं देगी, प्रॉब्लम नहीं देगी। हम क्या कह रहे हैं, पागल बना रहे हैं, वही ऑर्गेनिक का बस स्टीकर चिपका दिया 25 पैसे का और इसकी 140 रुपए कर दिया, भाई चलना तू मैं 80 वाली लूंगा, मैं नहीं ले रहा। और डायमंड की दुकान पे आप जाओ, बंदे से पूछो भाई साहब डायमंड कितने का है, अगर वो आपको बोले ना भाई साहब 25,000 रुपए का है, तो आप पता क्या बोलोगे, भाई साहब असली दिखाओ नकली नहीं चाहिए मेरे को, असली दिखाओ। फिर आप बोलोगे भाई साहब 5 लाख का है, ये देखो चमक देखो आप कितना चमक रहा है। तो ये मेंटालिटी है। तो कुबेर जी जो है ना सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पे लगाए जाते हैं जहां पे कस्टमर जो है
वो क्वालिटी के लिए कुछ भी देने को तैयार है, परचून की दुकान पर लगा दो, कस्टमर कह रहा है भाई मेरे को तो तू बाय वन गेट फोर, 30 दिन की जब एक्सपायरी डेट बच जाए ना तो बाय वन गेट फोर की जब स्कीम आए मुझे फोन कर दियो भाई, मैं तब ले जाऊंगा, 30 दिन में सब खा जाऊंगा, बट मैं नहीं दे सकता भाई ऑर्गेनिक के पैसे। ये मेंटालिटी है मार्केट में कस्टमर की, हमारी ही है, मेरी भी है, कोई मैं अलग थोड़ी हूं, मैं भी नहीं खाता ऑर्गेनिक दाल, अपने कोई पता पागल बना साला 25 रुपए का स्टिकर लगा के, हमें भी 80 वाली चाहिए, ठीक है। तो कुबेर जी जो है वो इस तरीके से यूज किए जाते हैं।